जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सफारा से लाइव हूँ सऊदीया में। ये वीडियो जब आपके साथ शेयर कर रखा हूँगा उस टाइम मैं पाकिस्तान में हूँगा, क्योंकि आज रात को मैं जा रखा हूँ, लेकिन अभी मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ। काम एक्सपायर शिरका ग्रेड है, शिरका ग्रीन है, हरूब है, कफील के ऊपर केस किया हुआ है। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ताकि आप पाकिस्तान में कैसे जा सकते हैं न्यू, और जा तो सकते हैं आप, क्या न्यू वीज़ा के तौर पर आप वापस आ सकते हैं, और न्यू वीज़ा के तौर पर कैसे वापस आ सकते हैं आप, मुकम्मल तफसील पूछ के आऊँ आपके साथ इंशाल्लाह ताला एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। जी तो शाही पाकिस्तान में भी चल रही है, और इसके अलावा अजवा खजूर मैंने साथ में अजवा खजूर भी ली है, शाही नहीं मैंने खुद से, और सेट लेके आऊँ शाही का। मैं उस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी सऊदीया से क्या कुछ खरीदा, उसमें वो सेट था, एक काफ़ी खूबसूरत था, एक साथ में जो चैनक वगैरह थर्मस है चैनक टाइप जो अरबी स्टाइल की होती है वो भी लेके आया था मैं। तो अभी घर पर ही बनाई है ये सौफ़ इलायची वगैरह और जो भी इसमें लवाजमान डलते हैं वो डाल के। तो अभी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो के शुरू में आपको दिखा चुका हूँ मैं कि मैं उस टाइम तो सऊदीया में था पाकिस्तानी सफारा जद्दा में, अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। तो बात कर लेंगे आज की खबर के ऊपर, अगर खरूज हाई किन आपको किस सूरत में आपका लग सकता है, और इसके अलावा अगर आपका हरूब है क्या सिस्टम हो सकता है। मतलूब वालों की तो बात ही अलग है, आपको पता ही मतलूब वाले तो बंदे जब भी पकड़े गए वो अंदर ही जाएंगे सीधा, और जब तक उनका केस कफील के साथ फाइनल नहीं हो जाती उनकी बात, उस टाइम तक वो उनको छोड़ा बन जाता है। कल ही मैं एयरपोर्ट के मतलब भी देख चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला उसकी अलग से वीडियो शेयर कर दूंगा, उसके उस बंदे के साथ हुआ क्या। बहरहाल बात कर लेंगे हम खुरुजन हाई के, पहले आपको बता दूँ खुरुजन हाई वो है भाई कि अगर आप यानी कि पाकिस्तान में आएँ और न्यू वीज़ा के तौर पर चाहे उससे अगले दिन ही वापस चले जाएं, चाहे 6 माह बाद जाएं, चाहे 3 माह बाद जाएं, चाहे 1 माह बाद जाएं, आपकी मर्जी है जी। यानी कि आपको आपके सऊदी अरब में रास्ते बंद नहीं होंगे। तो खुरुज नाई भाई सूरत में लगता है कि आप इकामे एक्सपायर हों, इकामा आपका है तो आप खुद से लगवा सकते हैं, आपको पता है जी, खुद से कफील के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद से अपना खुरुजन हाई लगवा सकते हैं, किसी भी मकतब वाले के पास चलिए 20-30 रियाल लेते हैं सिर्फ। तो आप इकामा है तो फिर तो आप खुरुजन हाई अपना खुद लगवा सकते हैं और जब चाहे वापस जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका इकामे एक्सपायर हैं, कंपनी वगैरह है, कफील आपके इकामे नहीं लगाए हुए हैं, आप अभी फाइनल एग्जिट के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में जाना चाहते हैं, तो अभी क्या होगा, अभी भाई ये होगा कि आप सफारा में चले जाएँ। सफारा में अभी पाकिस्तानी सफारा जैसा कि जद्दा में, रियाज वगैरह में है, आपको जो नज़दीक लगता है वहाँ चले जाएँ, अपने कफील के हिसाब से जाइएगा, आपका कफील किस सिटी का है उस हिसाब से, उस सिटी के करीब जो लगता है उसमें जाइएगा, वहाँ पर आपका काम होगा, ये भी क्लियर कर दूँ। आप सफारा में चले जाते हैं तो सफारा में होता ये है कि आपकी कंपनी रेड हो, ठीक है, अभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप कुछ भाई ने एक भाई ने मुझे अभी कुछ चंद दिन पहले कॉल की थी, मैं उस टाइम गसर सलाम जो जद्दा कॉर्नर्स में है उसमें मौजूद था, तो मुझे बोल रहा था वो भाई सज्जल तिजारी भी मांग रखे हैं, अभी मैंने खरूज का पेपर जमा करवाने गया हूँ। तो मैंने उसको बोला यार मैं चंद दिन पहले हो गया हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं था। तो बहरहाल मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर कर देता हूँ आपको कि सज्जल तिजारी वगैरह कुछ करवानी पड़ेगी हमें या नहीं। तो बात ये है जी कि आप जाएँगे सफारा में, वो आपको बोलेंगे कि अपना आप निकलवा लें पेपर, यानी कि वो सबसे का यानी कि वो आप मकतबे अमल की वेबसाइट खोल के खुद से देख सकते हैं या वो बंदे खुद से आपका देख लेंगे। उसमें लिखा ये होगा कि आप ये आपकी कंपनी रेड है, आप ऑन द जॉब हैं, यानी कि हरूब या मतलूब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की कापी यानी इकामा की कापी और एक पेपर वो खुद से फिल करते हैं, उसके ऊपर आपका नाम पता वगैरह, कंपनी का नाम पता वगैरह, आपका इकामा और आपका फ़ोन नंबर और आपके फिंगरप्रिंट और साइन वगैरह ले लेते हैं। वो जो पेपर मैंने आपको बताया उस पेपर की अहमियत काफ़ी चल रही है अभी, वो सिंपल तरीके से निकलाता है, वो 20-30 रियाल लेते हैं आपकी पूरी, वो 3-4 पेपर फाइल बना देते हैं बाहर, फोटोकॉपी वाले जो बैठे होते हैं 10-20 रियाल लेते हैं जी। अच्छा बात ये है कि वो पेपर के ऊपर कंपनी लिखी होती है अहमर, ठीक है जी, मुसस्सा अहमर है, शिरका अहमर है, कि कंपनी रेड है, ये लाजम चीज़ वो देख रखे हैं। जिन बंदों की, जिन अफराद की इस टाइम कंपनी रेड है, मुसस्सा रेड है, कफील रेड है, तो उनका भाई जब खरूज वो पेपर जमा हो जाता है, जिनका ग्रीन है उनका पेपर ही जमा नहीं होता, उनको वो बोलते हैं आप मकतबे अमल चले जाएं, वहाँ पर जाकर अपने कफील के ऊपर एक छोटा सा केस कर दें कि मेरा इकामा नहीं लगा रहा है, मैंने खरूज जाना है जी, खरूज हाई जाना है, तो वो पेपर वहाँ पर आपका जमा नहीं होगा। हरूब वालों के मतलब भी आपको बता देता हूँ मैं, तो आपका पेपर अगर कंपनी रेड वगैरह है तो आपका पेपर जमा हो जाएगा, उसके बाद होगा ये कि चंद माह के अंदर, अभी काम माशाल्लाह बहुत स्पीड से हो रखा है, ऐसा नहीं है कि सवीर पाकिस्तान चेंज हो चुके हैं, इसलिए काम भाई उन जब बिलाल अकबर साहब थे उस टाइम भी स्पीड से हो रखा था,
अभी काफी स्पीड लगी हुई है काम की, तो आप पेपर जमा करवाते हैं तो 1-2 माह के अराउंड में मेरे हिसाब से इस वक्त खरूज लग रहा है, तो खरूज नहाई लग रहा है। इस खरूज के ऊपर, खरूज नहाई के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, खरूज नहाई उदा नहाइया ऐसे लिखा है आपके पेपर के ऊपर, ठीक है जी, उसके ऊपर आप सफारा से भी कन्फर्म कर सकते हैं। आप जवाजा से जब अपना पेपर निकालेंगे, वहाँ मकतब वाले बाहर बैठे हुए हैं, 130 हज़ार लेते हैं, वो उनसे जब पेपर निकालेंगे वो भी उनसे भी कन्फर्म कर सकते हैं। मैंने खुद से एक दोस्त का साथ उसका कन्फर्म किया सफारा से, उन्होंने जब खरूज देखा और बोला इकामा एक्सपायर था, हमने बोला जी, वो बोलते आप जब चाहें आ सकते हैं, यानी कि इस खरूज के ऊपर आप भाई जब चाहें सऊदी अरब में वापस जा सकते हैं। मुसस्सा ग्रीन है, मकतबे अमल जाएंगे, वहां पर केस करेंगे, वहां पर वो आपके कफील से आपके इकामे लगवा, अगर आपका खरूज नहाई लगवाएंगे वो उसके ऊपर भी आप जा सकेंगे। आपको शुरते को आप पकड़ाई दे देते हैं या आपको पकड़कर वो पाकिस्तान भेज देता है तो फिर आप सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते, यानी कि जिसे तरहील बोला जाता है। अगर हरूब वालों के मुतालिक बात करें, हरूब वाला बंदा बाहर से पकड़ाई दे देता है या सफारा से ही जाकर हरूब वालों का काम हो रहा है, यानी कि आज आप एक मिसाल के तौर पर 20 तारीख आप जा रहे हैं, 22 को वो बोल रहे हैं आप शमेसी आ जाएं, शमेसी पहुंच जाते हैं आप, वहां पर आपके फिंगरप्रिंट ले जाते हैं, आपके साइन लिए जाते हैं, वो आपको बोलते हैं आप जाएं, ये आपको पेपर है, ये आपको जाकर निकलवा लें अपना खरूज का पेपर, आप जाकर अपना खरूज का पेपर निकलवाते हैं, तो आपको उसके ऊपर टाइम होता है 8-10 दिन का, इस अराउंड में आपने निकलना है। और जो सफारा से खरूज लगेगा आपका, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं, आपका यानी कि कंपनी वगैरह रेड हो तो उसके ऊपर आपको भाई पूरे 2 माह मिलेंगे, ये भी क्लियर कर दूं मैं, उसमें ऐसा नहीं होगा 8-10 दिन वाला मामला, 2 माह मिलेंगे। आप इसी तरीके से सऊदी अरब में अपनी शॉपिंग वगैरह जो भी करना कराना है, जो भी मामला था, खत्म करके आ सकते हैं। हरूब वालों को भाई सिर्फ 8-10 दिन 12 दिन दिए जाते हैं, जल्दी से निकले यहाँ से, और वो दोबारा सऊदी अरब में इंटर भी नहीं हो सकते। मतलूब वालों के मतलब तो बता चुका हूँ, वो तो अलग से मामला है। तो जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर हैं, बशर्ते कि शिरका ये कंपनी रेड है, वो इस वक्त सफारा में जा सकते हैं, जो भी आपको नज़दीक लगता है आप जाकर वहाँ पर पेपर अपना जमा करवा सकते हैं खरूज नहाई के लिए, और खरूज नहाई भी वो लगेगा जिसके ऊपर आप वापस जा सकें, और अगर शिरका रेड सॉरी ग्रीन है तो फिर आपको मकतबे अमल जाना होगा। मुझे नहीं लगता है इस वीडियो में कोई और बात रह गई हो आपको बताने वाली या समझाने वाली खरूज नहाई वगैरह के मतलब, शिरका रेड है या ग्रीन है या हरूप है या मतलूब है। तो मजीद इसके मतलब कोई किसी किस्म का मसला हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। सज्जल तिजारी वाला जो पेपर भाई ने मुझे बोला था ना फोन करके, उसका मामला कुछ और होगा, वरना भाई अभी भी मैं लास्ट दिन जो वीडियो में शुरू में आपको बताया, लास्ट दिन सफारा से होकर आया हूँ, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। बिल्कुल, दो दोस्त खुद के, दो जानने वाले खुद के बंदे, उनके पेपर जमा करवाए उस दिन, हकीकत बात है वही सेम वही पेपर जमा, जहाँ पर मैं आपको शायद यहाँ पहले उसकी पिक्चर भी कोई दिखा चुका हूँ। तो बहरहाल ये सिंपल सी एक मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ, एक वीडियो है जी, आप सिंपल से तरीके से जाकर अपना पेपर जमा करवा सकते हैं। इसी तरीके अगर आपका मूड है पाकिस्तान वगैरह, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश आने का, तो मजीद आपने को किसी और चीज़ के मतलब, इसके मतलब यानी कि कोई बात रह गई हो उसके मतलब पूछा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।